इन दिनों इंदौर शहर में एक अनूठा आयोजन किया जा रहा है जिसमें अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का समापन गुरुवार रात किया जाएगा। संस्था निनाद ने इन दिनों इंदौर शहर के बाईपास स्थित एक निजी हॉल में दो दिवसीय आयोजन किया है जिसका नाम हमसास रखा गया है। इस आयोजन में अलग अलग धर्मों के धर्म प्रमुख शामिल हुए हैं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों की हस्तियां भी शामिल हुई है। आयोजकों के अनुसार पूरे भारत भर से लगभग दो दर्जन से अधिक धार्मिक वक्ता इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी धर्म के लोग मिलकर काम करें और समाज में सुख शांति बनी रहे, ये बताया जा रहा है। आयोजन में राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज के अलावा शहजादा आबिद अली, महामंडेश्वर केशवदास महाराज, किन्नर अखाड़ा की प्रमुख महामंडेश्वर लक्ष्मी देवी सहित कई अन्य लोग शामिल है। अदबी कुनबा समूह और सिलसिला यारी का कुछ सालों पहले कुछ मित्रों के द्वारा बनाया हुआ संगठन है जिसका कोई ऐसा मूलभूत उद्देश्य नहीं है कि उसका राजनीतिक हो या सामाजिक हो, लेकिन समाज में जागरूकता फैलाना हमारा एक उद्देश्य रहा। कुछ सालों पहले हम लोगों ने ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ शायरी होती थी। शायरी को पढ़ाते हुए हम लोगों ने मुशायरे का आयोजन किया और उसमें सारे धर्म के लोग, सारे विषयों के जानकार, हिंदी और उर्दू का एक बड़ा मंच इंदौर में हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको दिया और बात निकली कि आज जो समाज में हमें जरूरत है वो सफेद कबूतर उड़ाने की है। तो सफेद कबूतर उड़ाने के प्रयास में हम लोगों ने ये तय किया कि सभी धर्म के धर्मगुरुओं को क्या एक मंच पर लाया जा सकता है। तो ऐसा एक आयोजन का ख्याल आया और आज हम लोग देख रहे हैं कि इंदौर में हमसाज नामक धर्म सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु यहाँ पर हैं और वो सिर्फ अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे। यहाँ जो जनता है, यहाँ जो इंदौर के जो प्रबुद्धजन है, वो सभी लोग उनसे संवाद करेंगे। धर्म क्यों महत्व रखता है हमारे लिए, धर्म हमें क्या शिक्षा देता है, धर्म समाज को क्या शिक्षा देता है, धर्म राष्ट्र को क्या शिक्षा देता है, धर्म से मनुष्य का क्या भला है और क्या बुरा है, तो ये सब चर्चा होगी। की व्यवस्था, प्रवृत्ति और मानसिकता को पहचान कर जो प्रतिकूलता से अनुकूलता का विचार और सार्थक कर्म किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। हजारों वर्षों से अनेक विचारधाराओं को, प्रत्येक विचारधाराओं को, प्रत्येक पंथ और संप्रदाय को प्रवाह में जीवंत रखते हुए, प्रवाह को जीवंत रखते हुए जिस राष्ट्र ने सभी धर्मों का सम्मान, मत, विचार और संप्रदाय का सम्मान किया है, आज वो राष्ट्र सभी धर्मों से ये कह रहा है कि जब ये युवाओं का राष्ट्र है तो इस देश के युवा शक्ति, अनेकता में एकता की जो संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो हमारे संत महात्माओं ने अनेकों अनेक शोध के पश्चात जो एक सत्य तत्व रूपी जो खोज की है, अर्थात सत्य की जो खोज की है, उस सत्य को समाज के युवा, आज समाज के, राष्ट्र के सामने और मानवता के सामने लाना बहुत जरूरी है। तो ये मानना है कि प्रत्येक धर्म को, धर्म के जो आदर्श है, वो आदर्श अगर अपने समाज को संदेशा देते हैं कि प्रत्येक धर्म का जो मूल आधार है वो मानवता है और मानवता का जो मूल सिद्धांत है वो समाजवाद है, यानी सबका समान अधिकार और सबका समान कर्तव्य, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है और यही संविधान का मूल आधार है। तो इसलिए धर्म संविधान के माध्यम से राष्ट्रीय संविधान को, की अस्मिता को और राष्ट्रीय गौरव को और राष्ट्रीय एकात्मकता के साथ युवाओं के विकास के लिए कॉन्क्लेव। इस समय में जी रहे हैं इसमें इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धर्म जो है वो
लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और इस वक्त भारत की एकजुटता बनाए रखने के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय समाज में सौहार्द और सद्भावना पैदा करने के लिए ये जरूरी है कि इस तरह के आयोजन किए जाएं। और लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि जो विभिन्न धर्म हैं या दो के रिलीजियस प्लूरलिटी जिसे हम कहते हैं, वो जो है ऊपर वाले की इच्छा के नतीजा है। अगर वो चाहता तो सबको एक साचे में डाल देता, लेकिन अगर उसने हमें ये आज़ादी दी है कि हम अपनी अपनी विवेक के अनुसार, अपनी अपनी मर्जी के अनुसार अपनी आस्था और धर्म का चयन कर सकें, तो हमें ऊपर वाले की इस इच्छा का सम्मान करना चाहिए और साथ रहकर एक दूसरे को आगे बढ़ना चाहिए। धर्म वो है जो परमात्मा को, मनुष्य रूपी ब्रह्म को एकत्रित करता है, जो प्रेम फैलाता है और जो एक समाज को संगठित रखता है, यही धर्म है। तो सबसे बड़ी बात, धर्म इसलिए जरूरी होता है, आस्था विश्वास, और कुछ लोगों के लिए धर्म तो जरूरी भी नहीं है। आज अगर हम यूरोप में देखें तो बहुत सारे बच्चे बिना धर्म के पल रहे हैं, पर धर्म कभी ना कभी समाज को एक सूत्र में बांध के सही गलत का, इसमें नैतिकता की दुहाई नहीं है, पर सही और गलत, पाप और पुण्य, ये भी वो एक हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। पर जब समाज है, हम सुशिक्षित हैं, और धर्म, जैसे मैं तो सनातन धर्म से हूँ, तो हम सनातनी, तो हमारे लिए पूरी प्रकृति धर्म है, और इसके वजह से आई बिलीव धर्म हमें, मनुष्य को, एक दूसरे को सम्मान सिखाता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा सिखाता है, और धर्म हर सभ्यता में सभ्यता को और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए धर्म एक बहुत कारगर चीज साबित हुई है। इस तरह का आयोजन शहर में पहली बार हो रहा है। ऐसे आयोजन निश्चित ही समाज को एक नया संदेश देते हैं।